So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के Y200 Pro डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अपनी कीबोर्ड लैंग्वेज को चेंज कैसे करेंगे। गाइस, अगर आप इंग्लिश कीबोर्ड लैंग्वेज एक्सेस कर रहे हो तो उसको चेंज करके हिंदी के कीबोर्ड लैंग्वेज कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो करेंगे एंड आपको दिखाते हैं कीबोर्ड लैंग्वेज को चेंज कैसे करते हैं। वेल गाइज, कीबोर्ड लैंग्वेज को चेंज आउट करने के लिए अपने कीबोर्ड को ओपन करना है। लोकेशन कोई भी हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी एप्स में ओपन कर सकते हो और मैं यहाँ पर सेटिंग्स में ओपन कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ प्रेस करेंगे सर्च बार पे, कीबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है। अब इसके लैंग्वेज को चेंज करने के लिए सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ टॉप नंबर पे ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज, इसको प्रेस करेंगे। देन यहाँ पर एडेड कीबोर्ड पे जाएंगे एंड जो भी लैंग्वेज आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो भी लैंग्वेज आती है उसको जस्ट यहाँ से इस तरीके से प्रेस करेंगे। जैसे मैंने हिंदी को कर दिया। अब यहाँ पर कुछ इसके मोर वे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखावट है जिसको हम राइटिंग बोलते हैं, तो ड्रॉ कुछ भी करोगे तो वो भी टाइप होगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, अगर ट्राई करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट मार करना, डन पे क्लिक कर देंगे तो ये लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। एंड गाइस, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको इस एरो पर क्लिक करना है, जो आपको लैंग्वेज एरो है इसको 2-3 बार प्रेस करेंगे तो ये हिंदी लैंग्वेज हमारे फोन में आ चुकी है। एंड वापस डिलीट करना है तो सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, पेंसिल साइन पे जाना है एंड जो भी आपको लैंग्वेज डिलीट करनी है इसको सेलेक्ट करना है, देन डिलीट बटन है, डिलीट कर देंगे तो ये लैंग्वेज इजिली फोन से डिलीट भी हो जाएगी। इस तरीके से आप भी अपने फोन के अंदर अपने कीबोर्ड लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं।